सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई थिंक दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो वी आर क्रिएटिंग अबाउट आवर प्रैक्टिस सेशंस। पिछले कुछ दिन से वीडियोज़ नहीं बन रहे थे क्योंकि कैमरा पर्सन नहीं था भाई हमारे पास। आज बहुत ही मुश्किल के बाद कैमरा पर्सन भी आ गया है एंड हमारे पास सेल्फी स्टिक भी है, तो आज हम लोग इससे भी वीडियो बनाएंगे। और गाइज, आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लोग, जैसा कि आपने लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा जहाँ उस तरफ में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं जुबली पार्क। मतलब प्रैक्टिस करेंगे और साथ में वीडियो भी शूट करेंगे, और क्योंकि आज संडे है तो होपफुली बहुत सारे रिएक्शन भी हमारे को वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो सेल्फी स्टिक है हमारे पास, कैमरा भी है और कैमरा पर्सन भी है। सो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपने स्केट्स पहन लिए हैं और बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। तो अभी स्केट्स पहन के ही हम लोग जुगली पार्क जाने वाले हैं। जो भी लोग जमशेदपुर से होंगे जुगली पार्क के बारे में उनको पता ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, स्केट्स पहन के जाएंगे और दिखाते हैं आपको वहाँ का वीडियो। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग स्केट्स पहन के जाने वाले हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा, हम लोग यहाँ पे जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे बहुत ही कम गाड़ी और लोग भी बहुत कम आते हैं, तो उससे मतलब क्राउड नहीं होता यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग जिस रोड से जाने वाले हैं वो थोड़ा मेन रोड है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जुगली पार्क में क्योंकि आज संडे है तो क्राउड भी होगा डेफिनेटली, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा संभल करके हम लोग को चलाना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने को रिएक्शंस भी कैप्चर करने हैं। तो दोनों का ध्यान रखते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे जुगली पार्क, और जैसे ही मैंने अपना कैमरा स्टार्ट किया हमारे को रिएक्शंस मिलने स्टार्ट हो चुके थे। हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम, मतलब मैं स्टिक के साथ स्केट कर रहा था तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, और इतने सारे लोगों के सामने स्केट करना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था मेरे लिए। और दूसरा चैलेंज ये था कि अपने फ़ोन को भी ठीक से, मतलब क्योंकि मैंने स्टिक में अपना आईफोन लगाया था तो मेरे को उसका भी डर था। हालांकि मेरे को गिरने का उतना डर नहीं लग रहा था जितना अपने फ़ोन को लेकर के लग रहा था कि फ़ोन गिर के, मतलब मैं गिरूंगा तो फ़ोन को भी शायद चोट लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा धीरे धीरे ही स्केट कर रहा था और साथ ही साथ रिएक्शंस भी कैप्चर कर रहा था मैं। और फिर जैसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े तो बीच में हम लोग पहुंच चुके थे जहाँ पे और भी रिएक्शंस हम लोग को देखने को मिले। हालांकि मेरे को उस टाइम में समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्शन कैप्चर हो रहा भी है या नहीं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे और थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करने का ट्राई किया, तब तक रोड क्योंकि थोड़ा सा डाउन था, डाउन टाइप में था, तो अचानक से मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई
और फिर मेरे को थोड़ा और ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब मैं किसी से जाकर टकरा ना जाऊँ। और दूसरा तो क्योंकि मेरा फ़ोन स्टिक में लगा था तो वो भी एक चैलेंज था। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके ब्रेक लगाया और अपने स्केट को कंट्रोल करने का, मैं आप जैसे देख सकते हो कितना मैं ट्राई कर रहा था, और मेरे फेस पे आप डर भी देख सकते हो। लेकिन मैंने पूरे तरीके से कंट्रोल करके, ब्रेक लगा करके मैंने अपने स्केट को कंट्रोल किया और फिर मैंने स्केट को रोक करके लास्ट में एक बार सांस लिया कि हाँ चलो ठीक है अभी रुक गए हैं। और इसके बाद हम लोग पार्क के अंदर इंटर करते हैं और यहाँ पे कुछ देर स्केटिंग करते हैं। हालांकि ये वाला जो पार्क का अंदर वाला एरिया है यहाँ पे, ये नॉर्मल रोड नहीं है, इस वजह से हमारे जो स्केट्स है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे नॉर्मल रोड की जगह ब्रिक्स है जो कि नीचे में पूरे बिछे हुए हैं, तो इस वजह से हमारे को स्केटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हम लोग को स्केट में फील हो रहा था। हालांकि हमने यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे स्केट किया और जो भी रिएक्शंस हमारे को यहाँ पे मिले उनको कैप्चर किया। और बाद फिर मैंने कैमरा दिया प्रकाश को और वो जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया ज़मीन पे। तो मैंने सबसे पहले जा करके उससे पूछा कि मेरे फ़ोन को तो कुछ नहीं हुआ ना। हालांकि उसको भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने पूरे सेफ्टी गियर्स हम लोग ने पहने हुए थे, तो इस वजह से उसको चोट तो नहीं लगा और मेरे फ़ोन को भी कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद फिर हम लोग आगे निकल गए, स्केटिंग कर ही रहे थे तो इसी बीच एक भैया मिलते हैं और वो बोलते हैं कि हमें भी वीडियो में लो। ए आदिपुर के लोंडे सर, आम गोली चलाते, पढ़ाई की उम्र में छोटे मारे कर आते, मीटर से ज़्यादा यहाँ लफड़ा बढ़ाते, एक फोन में 10-15 स्प्लेंडर से आते, यहाँ बंदूक में रहता है गोली और लोड, मारेंगे तुमको होगा वीडियो अपलोड, यहाँ मामू आते जेल में, नोट फेंकते तो हो जाता बेल रे, तभी तो दुश्मन को खुलेआम रेल रे, यहाँ पे रहते उसको बोलते आदिपुर बस्ती। और इसके बाद उनसे बात करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और अंधेरा भी हो चुका था, तो फिर हमने प्लान किया वहाँ से निकलने का। और हम लोग जैसे ही रिटर्न निकल रहे थे तो यहाँ निकलते टाइम भी हम लोग को कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। आप इस बच्चे को देख सकते हो कितना क्रेज़ी रिएक्शन दे रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं वापस जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे।
गाइस जैसा कि आपने देखा वीडियो में, हम लोग फर्स्ट टाइम रोड पे स्केट करके जा रहे थे और पार्क में भी हमने थोड़ा स्केटिंग किया। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्राउड बहुत ज़्यादा था क्योंकि संडे है आज। तो थोड़ा धीरे धीरे हम लोग ने आज ट्राई किया था स्केटिंग करना, क्योंकि क्राउड के कारण बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दूसरों के सेफ्टी के बारे में भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। और ठीक है, आज क्योंकि फर्स्ट वीडियो था ऑन रोड या ऑन ट्रैफिक बोल सकते, और ये सेल्फी स्टिक से भी हम लोगों ने आज फर्स्ट टाइम वीडियो शूट किया है। अभी बहुत अच्छे से कैमरा का एंगल समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से शायद उतने अच्छे से शूट नहीं हुआ हो, लेकिन देखते हैं कैसा है। और सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।